दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तरह की फिलोसफिकल बात करते हैं कि पैसा तो सब कुछ नहीं होता है जीवन में, पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी बारे में मिस्टर वॉरेन बफे का एक बहुत ही फेमस कोट है, जिसमें वे ये कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मेक श्योर यू अर्न ए लॉट बिफोर स्पीकिंग सच नॉनसेंस। जिसका हिंदी मतलब है कि अगर आप इस तरह की नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने बहुत ढेर सारा पैसा पहले ही कमा लिया हुआ हो। यानी कि आप इस तरह की बात बिल्कुल भी ना करें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। वास्तव में पैसे की इम्पोर्टेंस, पैसे का महत्व अपनी जगह है और बाकी चीज़ों का महत्व अपनी जगह है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपके हाथ यानी हैंड इम्पोर्टेंट है और आपका जो पैर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वास्तव में दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है और दूसरी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी कुछ लोग पैसे को बाकी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और बाद में उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस माइंडसेट लेके चलना है, बट इस तरह की बातें, इस तरह की नॉनसेंस बातें, बकवास बातें नहीं करनी है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप इस तरह का माइंडसेट बना लेते हैं तो आप दिन ब दिन आलसी होते जाएंगे और आपका जो पैसे के प्रति जो झुकाव है, जो रुझान है, वो कम होता जाएगा। और बाद में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अपने इस आलसपन की वजह से आप बहुत सारे पैसे कमाने के जो मौके हैं वो गंवा दें। तो दोस्तों, यहाँ पे लेसन बहुत ही सिंपल है कि आपको इस तरह की बकवास नॉनसेंस बातें नहीं करनी है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। वास्तव में दूसरी चीज़ों का अपनी जगह इंपॉर्टेंस है और पैसे का इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। जहाँ पे पैसा काम करता है वहाँ पे दूसरी चीज़ें हो सकता है काम ना करे, लेकिन जहाँ पे दूसरी चीज़ें काम करती है वहाँ पे हो सकता है पैसा ना काम करे। तो इस तरह की कंपैरिजन भरी बातें, तुलनात्मक बातें करना सही नहीं है। पैसे की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और आपको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया है, आपने अपने अपने परिवार का भविष्य, आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर लिया है, तभी आप इस तरह की बातें करें। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं और आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी गरीबी, अपनी आर्थिक विफलता, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए ही आप इस तरह की नॉनसेंस भरी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी है बट सच्चाई है कि वास्तव में हमें इस तरह की फिलोसफी भरी बातें करने से पहले कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा लिया हुआ हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में लेसन बहुत ही सिंपल है और आप, और आई होप कि आप इस लेसन को जरूर समझ पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।